पहले फर्स्ट का क्या आंसर आया? पहले क्या है फर्स्ट का आंसर? है ना? फर्स्ट का क्या आंसर आया? तुषार सर एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस वन प्लस सी फर्स्ट का आंसर? हाँ यस सर एक्स प्लस सी गलत है। स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन टू आ रहा है मेरा। हाँ सही है ये। सेकेंड का आंसर क्या है? रूट है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। क्या हुआ कहाँ हो आप लोग? सर ये सेकेंड नहीं आ रहा, फर्स्ट तो कर लिया था ना, सेकेंड नहीं आ रहा। सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 1/2 5/2
अपने अपने प्रेजेंट बोलिए आयुष आयुषी प्रेजेंट सर गौरवीना प्रेजेंट सर अनिल प्रेजेंट सर मैना प्रेजेंट सर रिया प्रेजेंट सर शंकर प्रेजेंट सर प्रेजेंट तुषार शर्मा प्रेजेंट सर योगेश मीना अब देखिए भाई अभी आप एक स्टूडेंट प्रेजेंट हो बीच में से कोई भी लैप मत हो जाना नहीं तो मैं एब्सेंट लगा दूंगा दोबारा से विदाउट परमिशन के लैब मत होना क्वेश्चन नंबर 3 10 x 10 dx हम इसमें क्या काम करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सा मल्टीप्लाई कर दिए कर दीजिए 10 x का फिर उसके बाद सॉल्व करिए देखिए कौन सी आइडेंटिटी फॉलो होती है
ये आंसर है थर्ड का। आंसर आया सर, अभी कर रही हूँ सॉल्व, एक मिनट। सर फोर्थ का तो 10x प्लस sec x प्लस c आ रहा है। क्या आ रहा है? 10x प्लस sec x प्लस c। अड़का? नहीं सर, फोर्थ का। फोर्थ का तो सही है आपका, फोर्थ तो सही है। सर थर्ड में 10^2x का सॉल्व नहीं हो रहा, उसका इंटीग्रेशन कैसे करें? आप लोग अपनी अपनी जगह वीडियो ऑन करो सभी। अरे आप जल्दी वीडियो ऑन करिए। अनिल आप क्या कर रहे हो? अब आपने खोली कॉफी खोल के बैठ रहे हो, अब आप साउंड नहीं आ रही आपकी? नहीं सर। तो नेक्स्ट तुषार शर्मा वीडियो ऑन करिए, योगेश मीना, नैना, रिया, आयुषी, शंकर, गौरव, कशिश, गुड, अंकल, अंकल जी आपके बाल कैसे, कितने हेयर आपकी कटिंग नहीं कराई आपने, गर्मी कितनी है? सर थर्ड भी हो गया, सर थर्ड भी हो गया सर, सर sec x plus 10x minus x plus c। रिया ठीक सर? हाँ थर्ड भी हो गया, sec x plus 10x minus x plus c। अभी देखते हैं अंकल, ऑफ कर लीजिए वीडियो, नैना, आयुषी और रिया। शंकर शंकर गुप्ता सर ये अपने आप बंद हो गए, अभी चालू नहीं हो रही। आशीष शर्मा और तुषार शर्मा, गौरव मीना, योगेश मीना वीडियो ऑन करिए। गुड, तो सर वीडियो ऑन करो, योगेश वीडियो ऑन करिए, गौरव अगर आपने वीडियो ऑन नहीं करी तो मैं लैप कर देता हूं यहां से। गुड, योगेश, गौरव, योगेश,
गौरव आप वीडियो ऑन करिए, मैं आपको नहीं तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। सुन लीजिए अब आप, गौरव वीडियो ऑन करो। अरे सर इसमें परमिशन नहीं है कैमरा की, उसको करते हैं वापस ऐप रिस्टार्ट होएगा। चलो मैंने आपका तो देख लिया ही होगा इस मीना, पर गौरव से बात कर रहा हूँ। गौरव वीडियो ऑन करो। गौरव है तो सही क्लास में, अरे वीडियो ऑन नहीं कर रहा। इसको मैं लैप कर दे रहा हूं। रिमूव कर रहा हूं मैं गौरव, फिर वीडियो ऑन करो आप। गौरव मैं रिमूव कर रहा हूँ आप। ठीक है मैं रिमूव कर रहा हूँ आप। फिर उसको आ गया ना sec x plus tan x minus sec plus c। फिर sec square x minus 1। हाँ फिर sec x plus tan x minus sec plus c हो जाएगा। sec x plus tan x minus x plus c। ये सर ये आ रहा
कैसे पहले तो उसको सिंपलीफाई करो ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा आईडेंटिटी लगा लिया जिससे कि ये ट्रिग्नोमेट्री में जो लिखा हुआ है वो कैंसिल हो जाए और इसमें यू वाई की आईडेंटिटी तो लगेगी इसको हटाना यहाँ से सर मेरा आंसर आया है 2 sin x मतलब 2 ब्रैकेट में sin x plus x cos alpha plus c हां ठीक है इंटीग्रेशन इसको लेंगे 2 cos square x minus 1 यस सर और इसको लेंगे 2 cos square alpha minus 1 माइनस के लिए ये हो जाएगा फिर 2 cos square alpha plus और cos x minus cos alpha 1 कैंसिल 2 इज कॉमन तो फैक्टर हो जाएंगे cos x minus cos alpha cos x plus cos alpha cos x minus cos alpha cos x minus cos alpha कैंसिल हमारे पास मिला cos x plus cos dx derivative of cos x means sin x अब derivative of cos alpha with respect to dx अब उसको cos alpha तो constant है तो dx का ही होगा x means x cos plus समझ में आ रहा है ना सबको ये कि नहीं हेलो यस सर समझ में आ गया ना सर आज क्या बात है आपकी आवाज ही नहीं आ रही यस सर समझ आ गया अब मैं तुषार से पूछ रहा हूँ इसकी आवाज ही नहीं आ रही आज तो तुषार तुषार ये दो बच्चे कौन से लेफ्ट हो गए जरा देखूं तो मतलब प्रेजेंट लगा के लेफ्ट हो जाते हैं जिनों रिया तो है कौन कौन से लेफ्ट हो गए सारे योगेश है संकल्प है रिया है नैना अनिल आयुषी 2 3 4 5 6 7 बच्चे 3 कौन हो गए
कशिश हो गई एक तो, कशिश को कॉल करके कह देना मैंने एब्सेंट लगा दी उसकी। आंसर है सर, क्या आंसर है? एक मिनट सर। सर इसका क्या है? log cos x plus 1 by 2 log cos 2x minus 1 by 3 cos 3x plus c, ये क्या इसका आंसर? नहीं। एरिया चिपक अलग तो उसमें आइडेंटिटी को सोल्व कर लेंगे।
x plus 2x bracket wall side n so tan dx equal tan n plus tan d upon 1 minus tan n tan d cross multiply साइड में क्या लिखा है f dx minus tan x tan 2x tan dx equal tan x plus tan 2x एक और मल्टीप्लाई कर दिया अब ये दोनों पोर्शन को इससे ऐड करेंगे tan dx minus tan 2x minus tan x equal tan x tan 2x tan 3x और tan x tan 2x tan 3x के स्थान पर इसको लिख देंगे tan 3 tan 2 tan x equal integration tan dx minus tan 2x minus tan x dx अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x अगर ये लिखवाया था माइनस लॉग cos x cos x plus c और ये 3 है तो 1 अपॉन में भी आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 लॉग cos 3x इसका होगा माइनस लॉग cos 2x माइनस माइनस प्लस x का कोफिशिएंट बना हुआ log cos 2x इसको आएगा प्लस log cos 3x प्लस अरे cos 3x के साथ मॉडुलस लगा देंगे क्योंकि log की प्रॉपर्टी में प्लस नेगेटिव होना चाहिए ये आपको नहीं क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan 2x plus cos 2x upon sin x plus cos x dx se cosa na chuka hai apna wo object hai kya se
इसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा पूरा सिंपलीफाई करने के बाद ही फिर आप इंटीग्रेशन करोगे। तो आप सोचिए कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगी इस फंक्शन में। पहले तो हमें फर्स्ट स्टेप सोचना है। जब फर्स्ट स्टेप हमें क्लियर हो जाएगी सर इनको अलग अलग करेंगे क्या पहले? देखो करने से कुछ फायदा है क्या? फर्स्ट स्टेप यदि आपकी क्लियर सही है तो सब लोग के क्वेश्चन की डायरेक्शन आपकी सही जा रही है। तो फर्स्ट स्टेप से ही हमने गलत रॉन्ग डायरेक्शन चल दी है तो लास्ट तक ही लॉन्ग ही रहेगी, आपकी सही नहीं हो पाएगी। इसलिए फर्स्ट स्टेप सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम सही डायरेक्शन में चलें, जिससे कि हम उस लिमिट तक पहुंच सकें कि जहां से मेरा इंटीग्रेशन कर सके उस फॉर्मूले तक हम पहुंच गए। मैं हमारा मकसद यही होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सर वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी क्या? लगने को तो बहुत कुछ लगेगा, पर तो सोचना आपको है थोड़ा। पहले आप वो सोचिए कि क्या पॉसिबल हो सकता है फर्स्ट स्टेप होना। पहले पहला कदम चलिए, दूसरा आपके आप सही चल जाएगा। क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में क्या करा आपने? सर क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में क्या किया? सर मैं तो अलग अलग लिख के सॉल्व किया है सर। अलग अलग लिख के सॉल्व किया है सर। मैंने आपने क्या किया? सर मैंने वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई ऊपर वाले क्वेश्चन ऊपर न्यूमरेटर में, तो वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से कट जाएगा ना, फिर वो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस। चलो ठीक है, आपकी फर्स्ट स्टेप तो सही निकली, सेकंड को देखिए क्या करना है। सर मेरा बच तो यही रहा है 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ऑफ डीएक्स इंटीग्रेशन में, अब उसके आगे नहीं आ रहा, क्या करूं? अभी भी आप सोचिए कर सकते हो, थोड़ा सा सोचिए कि साइन एक्स कॉस एक्स को हम कैसे एक में कन्वर्ट करते हैं। सर cos x का डिवाइड करेंगे क्या? डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हाँ तो मतलब क्या है फर्स्ट थोड़ा सा आप ये sin x cos x ये टू टर्म्स लिखी हुई है, इसको वन में कैसे कन्वर्ट मल्टीप्लाई में टू टर्म्स है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
सर आप बता दो। सोचो सोचो, आप कर सकते हो एग्जाम में भी, फिर आपको ही तो सोचना है अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ गया। सर ये cos x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x। मतलब क्या रहेगा इसका? हमें तो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है मैं मान तक पहुंचना है। हम तो और उलझ जाएंगे, हमने तो और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना लिया। फिर साइन आ गया, कॉस आ गया, रूट भी साथ में आ गया। जो हमारी मेन आइडेंटिटी है, मेन फार्मूले है, वहां तक पहुंचना है हमको कैसे भी। सोचिए कर सकते। साइन एक्स कोस एक्स को एक ही क्रम में लिख लिया, या तो साइन में या फिर कोस में। सोचिए कैसे भी। तो सार क्या हुआ? हार माननी लग रहा पढ़ने में आपका। यस सर। मैं आपसे कह रहा था साइन एक्स कॉस एक्स को एक बार में कन्वर्ट कर दो, और आपने सोचा नहीं कि था ये 2 into 2 का, बट फिर मैंने सोचा गलत हो जाएगा क्योंकि फिर पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम पे। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कर लो। जब फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपको सब मालूम होगा किसमें कब क्या करना है। इंटीग्रेशन में इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री तो कम से कम 80% है भाई।
ठीक है, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ और मंडे को मैं टेस्ट लूंगा चैप्टर 5th डेरिवेटिव, आप तैयारी कर लेना। यस सर। क्लास ओवर कर दूंगा। यस सर, थैंक यू सर, बाय।